वेलकम बैक खवातीन रोज रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अदब और अदाब का बड़ा ताल्लुक रहा है पाकिस्तान की सकाफत से, कल्चर से, सोसाइटी से। और अगर हम अपने मज़हब की बात करें तो अदब और आदाब जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। बात करते हैं अगर हम उर्दू अदब की, तो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाई जाती है, और इसके अलावा बहुत सारी हमारे मुल्क में इस तरह की ज़बानें हैं जिनकी सकाफत, जिनका अदब, जिनका लिटरेचर हम आज तक नहीं जान पाए हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी एक वजह ज़बान भी होती है कि हम एक ही ज़बान पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उसकी वजह कभी कभी कुछ कल्चरल क्लैशेज़ होते हैं आपके आपके स्कूल से, आपके घर के बैकग्राउंड के, आपके स्कूल के बैकग्राउंड से, दोस्तों से, ज़िंदगी की तगोदो से, कि कभी आपको वक्त नहीं मिलता जाने का। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आने वाला आगे आने वाली नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी यूथ है, उनको हम आगाही दें कि अदब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पाकिस्तान में बेतहाशा इस तरह के लोग हैं जो कि आज भी अदब के लिए काम कर रहे हैं। बहुत जल्द 26 और 27 नवंबर को अदब फेस्टिवल होने वाला है कराची में एट द फ्रेयर हॉल, और उसके दो रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। एक तो बहुत ही मेरे दिल के करीब हैं और एक मेरे बहुत शऊर के करीब हैं। हमारे साथ हैं अमीरा सैयद और शमा अस्करी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अब पता है मेरे दिल के करीब किसे कहो। देखिए फेस्टिवल होने वाला है, बहुत मुश्किल सवाल है। सबसे पहले तो भाई आप दोनों को खुश आमदीद शो पे। मैं चाहता हूँ कि शमा, एक तो आपको परफॉर्मिंग आर्ट से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है काफ़ी अर्से, तकरीबन को 20 साल लगभग आप काम करती रही हैं बेहतरीन, और टेलीविज़न पे भी मैंने शमा ने अपना जो डेब्यू प्ले किया था, बदकिस्मती से मेरी अम्मी का रोल किया उन्होंने, करना तो हिरन का चाहिए था। बट डजंट रियली मैटर, अभी आप अदब के लिए काम करिए। अच्छा अमीर, आप मुझे बताइए कि कब ये फेस्टिवल का इनेकाद कब हो रहा है? 26-27 को हो रहा है, इसकी क्या बैकग्राउंड है? जी ये 26 नवंबर को है फेस्टिवल, और 27 नवंबर शनिचर इतवार फ्रेयर हॉल में है, सुबह 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। बेहतरीन। और इसमें समझिए कि इस कदर वैरायटी है और डाइवर्सिटी है इनके सारे सेशंस में। इसमें बुक लॉन्चेस हैं और इसमें तबसरा है, इंटरव्यूज़ हैं, शर्मीन उबैद चिनोई का इंटरव्यू है, किशोर नाहिद, इफ्तिखार आरिफ, आरफा सैयदा जहरा, जहरा आपा, जहरा निगाह। तो मतलब ये तो खैर हमारे बहुत ही बड़े बड़े मकबूल लोग हैं, लेकिन नए नौजवान भी बहुत आ रहे हैं, इमर्जिंग आर्टिस्ट, राइटर्स, उनको हमने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। अच्छा बेसिकली कभी भी अगर इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं, लोग ये सोचते हैं अरे किस वक्त जाएं, जाना कितने बजे चाहिए, किस वक्त जाना चाहिए, हमें किस वक्त मज़ा आएगा? देखिए 11 बजे आना चाहिए उनको और 9 बजे तक बैठना, रात के 9 बजे तक, क्योंकि देखिए वहाँ फूड कोर्ट भी है, वहाँ आराम करें। दूसरी चीज मुझे ये भी लगता है कि हम लोग कराची के अंदर बार बार ही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई कुछ करने को नहीं है, कहाँ जाए, कब तक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाए या कैफेज में कॉफ़ी पिए, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो रही है। शबा आप मुझे बताएं, आपका गहरा ताल्लुक है अदब फेस्टिवल से, आप मुझे बताएं आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें? एक तो अमीना का बहुत मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, क्योंकि हमने इस दफ़ा कोशिश क्या की है सर कि क्यूरेशन में थोड़ी सी तब्दीली लाए। जैसे कराची को आप देखें तो इट्स अ मेल्टिंग पॉट, हर किस्म की ज़बान यहाँ बोली जाती है, आप सिंधी ले लें, बलोची ले लें, अंग्रेज़ी ले लें, उर्दू ले लें। तो इस पर हमने एक सेशन क्यूरेट हारिस खलीक ने हमारे लिए किया है, उसका नाम है कराची का अदब, कराची का, क्योंकि कराची एक यूनिक जगह है। और वैसे मैं सॉरी टू कट यू, कराची को बहुत ही बुरी तरह से अदब की जरूरत है, बहुत बेअदब होता जा रहा है। और मेरे ख्याल में ये जो एक कमिंग टुगेदर होगा कि ये जिस कराची का अदब आप ले लें, उसमें इसमें ताहा के हैर होंगे जो अंग्रेजी में लिखते हैं, हमारे पास अतिया दाऊद हैं जो सिंधी में लिखती हैं, हमारे पास जाहिदा रईस राजी हैं वो बलोची में लिखती हैं, और सैयद काशिफ रजा हैं जो उर्दू में। इनका एक घंटे का डिस्कशन होगा, एंड आई थिंक ये बात आगे चलनी चाहिए, बिकॉज इट्स इवॉल्विंग कल्चर जो है ये कॉन्स्टेंटली, ख़ास तौर पर कराची का एक बहुत एक चीज़ है जो इवॉल्व कर रही है। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि फ्रेयर हॉल बेइंतहा खूबसूरत जगह है, घास है, सेंट्रल भी है बिल्कुल, और हमें अब मोबाइल्स की ऐसी आदत पड़ गई है, ख़ास तौर पर बच्चे वो समझेंगे कि फूल पत्ते चिड़ियाँ मोबाइल फ़ोन की इनायत है, तो उनको लाएँ। हाँ। बच्चों का बहुत बड़ा स्ट्रैंड है हमारा, एक्सेलेंट, तो आए घुल मिल के। और सुने जो 26 और 27 को दोनों दिन अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, बिल्कुल है ना, दोनों दोनों की फील अलग है तकरीबन। हाँ, और आई थिंक इतवार को तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ये प्लान कर ही रहे होते हैं कि क्या करें, और हम लोग हमेशा आपको जब भी हम अपना शो टुवर्ड्स द वीकेंड लेके जा रहे होते हैं आपको बताना शुरू करते हैं कि आप वीकेंड पे क्या करें। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपने बच्चों को एक डायरेक्शन अब देनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा जान छुड़ाने के लिए उन्हें आईपैड्स और
इस तरह गैजेट्स दे देते कि बस ये देख लो, और टेलीविजन पे कार्टून लगाती बस ये देख लो, और अपने अरे भाई बहुत मसरूफ़ हैं ये कर रहे हैं। आई थिंक ये जो एक शनासाई है अदब से बच्चों के लिए, वो बहुत ज़्यादा आजकल के दौर में ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है एक तरफ लोग ये भी कहते हैं मीना कि यू नो द वर्ल्ड इज टर्निंग इनटू अ ग्लोबल विलेज, सब एक ही जैसे थोड़े अरसे के बाद लोग हो जाएंगे, मुझे इस चीज़ से मुझे मज़ा नहीं आता। नहीं बिल्कुल नहीं आता ना? और हम एक इसी बात पे, पता है हमारा एक बहुत अच्छा सेशन है, आई थिंक डॉक्टर आयशा मियां उसको मॉडरेट करेंगे, इट्स ऑन सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ। Excellent. You know, ये चीज़ें हम समझ रहे थे अमीना में, हम सब जो हमारे रखे हैं कि इन चीज़ों को वी नीड टू स्पीक अबाउट दम, इनकी एक गुफ्तगु शुरू करनी है, जो अहम चीज़ें हैं जिनसे शायद कभी कभार हम डर भी जाते हैं कि ये कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक जिम्मेदारी आप पे, आई थिंक कहना तो चाहिए, आई थिंक कहना चाहिए, और आपको नहीं पता आप कितने लोगों का जहन इससे ब्राइट कर सकें और कितने ज़्यादा लोगों को आप आगाही दे के उनकी लाइफ बेहतर कर सकें। मुझे एक बात बताएं अमीना कि बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो कि अपने घर में ही कुछ ना कुछ लिखते रहे हैं, और वो कभी तक उन्हें एक खौफ है, अफकोर्स सबको खौफ होता है फेलियर का या हार जाने का, उनको भी तो दिल चाहता होगा कि इस तरह के फेस्टिवल्स का हिस्सा बने, वो क्या कोई तरीक़ाकार है कि आपसे रब्ता करें या वो अपना काम इस तरह लोगों के सामने लेकर आए? जी बिल्कुल, असल में हमें तो ये बात हम इतनी फैला देते हैं, और ये नहीं कि बस शमा हमने बैठ के ये सेशंस किए, हम लोगों ने मतलब ये दर्जनों लोगों को कंसल्ट किया है, उनसे राय ली है, उनसे कहा है कि आप बताएं आप किसको जानते हैं, तो इस तरह हमारे पास बहुत मालूमात हो जाती है, लोग आ जाते हैं जिनका मैंने तो नाम भी नहीं सुना था, लेकिन पता चला ये बड़ा बहुत अच्छा लिखते हैं, इस तरह इनकी समझिए नुमाइंदगी अच्छी हो जाती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये जो हमारी फेस्टिवल है ये बिल्कुल फ़र्क होगी, जो मैं तो 2010 से कर रही हूँ, कोई 20 फेस्टिवल्स लिटरेचर फेस्टिवल्स कर चुकी हूँ, लेकिन इस दफ़ा हमने तब्दीली हम लाए हैं शमा और मैं, वो तब्दीली ये है कि इसमें हमने और चीज़ें शामिल की हैं, जैसे कि थोड़ा एंटरटेनमेंट का अंसर, जी जी वो हमने हर सेशन में डाला भी है। हाँ। अब जैसे किसी की बुक लॉन्च है जी, उसमें हमने ड्रामेटिक रीडिंग्स बीच में डाल दी हैं, कहीं हमने कोई म्यूजिक डाल दिया है, कहीं कुछ इंटरैक्ट वो ऐसा कोई प्रेजेंटेशन या कोई फिल्म दिखा दी, फिल्म क्लिप दिखा दी, तो हर सेशन में ये नहीं कि सिर्फ बातें हो रही हैं, लेकिन हमने ये सब मिला दिया है, मेरे ख्याल से कोई होलसम सी फील इंशाल्लाह आएगी। लेकिन कभी भी कोई भी हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, आपको पता है रोज़ आना, तकरीबन एक साल हो गया शो करते हुए, हर शो से पहले के जो 20 मिनट होते हैं ना, वो मेरे लिए थोड़े से जिटरी होते हैं, मुझे होता है कि पता नहीं अल्लाह करे अच्छा शो हो जाए। ऑफकोर्स जब आप फेस्टिवल करते हैं थोड़ी सी तो नर्वसनेस का सामना करना होता होगा, है शमा? थोड़ी नहीं, काफ़ी काफ़ी। एक तो पता है वो भी होता है ना कि क्या पता व्हाट इफ लोगों का टर्नओवर कम हो, हम लोगों को जवाब क्या देंगे, इतना बड़ा मेला सजा लिया है। बल्कि हमारे एक बहुत बड़े टाइटल हमारे एक पार्टनर हैं, वो जब आए थे हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो कहने लगे कि तुम इतनी परेशान दिख रही थी, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि कोई नहीं आएगा, लेकिन देखो कितने लोग भर गए। तो जाहिर सी बात है सर, वो आई थिंक थोड़े से नर्व्स होना ज़रूरी है, आई थिंक इट कीप्स यू, जिसको कहते हैं कि आप अलर्ट रहते हैं। और पता है मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा तो एक नज़रिया इस पूरे सिस्टम की तरफ थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह से भी है कि मैं चाहता हूँ कि अदब के बारे में, लिटरेचर के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में, आर्टिजन्स के बारे में हम बात करें, क्योंकि ये लोग मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं किस वजह से इनको हमारा जो मीडिया है वो ऊपर नहीं लेके आता, सामने नहीं लेके आता। लेकिन हम अपनी ये जो जिद्दोजहद इसको जारी रखेंगे, शमा और अमीना हमारे साथ मौजूद हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलता हूँ आपसे। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। 26 और 27 नवंबर को कराची में एट द फ्रेयर हॉल होने वाला है अदब फेस्टिवल, जो कि बहुत ही एक शानदार फेस्टिवल होगा, अपनी नौयत का एक मुनफरद फेस्टिवल होगा, जाके बहुत गहमा गहमी होगी, बुक लॉन्चेस होगी, और ख़ास तौर पे आपके बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे वहाँ जाके। हम लोग हमेशा अपने बच्चों के लिए इतना कर रहे होते हैं सीव्यू चल के वहाँ जाके उन बच्चों को गोलगप्पे खिलाते हैं, नहीं आप इस दफ़ा फ्रेयर हॉल जाएंगे और अपने बच्चों को अदब से, नई नई चीज़ों से रोशनास कराएंगे, ताकि ऑफकोर्स उनका जो एक्सपोजर है इस तरफ भी आए। अमीना और
शमा हमारे साथ मौजूद हैं और शेफ मुनीजा भी मौजूद हैं, क्योंकि शेफ मुनीजा सुनते ही फौरन यहाँ पहुंच गए, अरे मेरे तो दो बच्चे हैं उनको भी ले जाऊँ क्या? मैं कह शेफ मुनीजा खुद भी वहाँ रहना होगा आपको, सिर्फ बच्चों को छोड़कर मत निकल आइएगा। अच्छा मुझे एक बात ही बताइए, इस दफ़ा की जो थीम है द फेस्टिवल की अभी ना, वो है क्लाइमेट चेंज, इसकी कोई खास वजह? देखिए क्लाइमेट चेंज तो हमारे लिए इतनी इस साल इतने ये सैलाब के वबा की तरह यहाँ, तो हमें इस बात की बहुत एहसास ये हुआ कि हमें लोगों को इसके बारे में बताना है, आगही इसमें बढ़ानी है इसके बारे में, ताकि किसी ना किसी तरह हम सब मिलके एक ऐसी जद्दोजहद करें कि आइंदा यहाँ सैलाब ना आए। बिल्कुल, और ये मुमकिन है, हम अगर बहुत चीज़ें करें, जैसे मैंग्रोव हैं कराची के, उसमें तारिक अलेक्जेंडर कैसर आ रहे हैं, वो सबको बताएंगे, उन्होंने इस कदर काम किया है इस मैंग्रोव में। तारिक अलेक्जेंडर इज ग्रेट, हमारे शो पे भी वो आ चुके हैं, और हमारी क्योंकि सबको फिर इसके बारे में पता चले और वो अपना जो भी उनका रोल है, अब जो भी किरदार है, वो अपना अदा करें, रिसाइकिल करें, रीयूज करें। फौजिया मीनाल्ला आ रही हैं, आर्टिस्ट हैं, इस्लामाबाद से आई हैं, उन्होंने 100 फुट का एक इंस्टॉलेशन आर्ट का बनाया है, Excellent. जो पूरे रिसाइकल्ड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल का बनाया है। Nice. वो बच्चों को सिखाएंगी और असातिज़ा को किस तरह वेस्ट मटेरियल से आर्ट पैदा करते हैं। शरी रहमान हमारी चीफ गेस्ट और कीनोट स्पीकर हैं इनॉग्रेशन में, सनीचर को 11 बजे आप लोग सब आइए, और मसूर लोहार आ रहे हैं जिन्होंने क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट बनाया है, और वो भी बताएंगे कि उन्होंने इस कदर काम किया है, तो इसलिए हमने इसको बहुत अहमियत दी है क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि ये तो हमारी समझिए एक अहम ज़रूरत है, अगर हमें ज़िंदा रहना है, अगर हम अपने शहर को ज़िंदा रखना है, तो हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये एक इतनी अच्छी चीज़ है, अगर बच्चों को हम ये चीज़ें अगर सिखा दें, अगर हम बच्चों को हॉर्टिकल्चर सिखा दें, जो प्लांट्स के साथ खेलना होता है, किस तरह पौधे लगाते हैं, पौधे उगाते हैं, अब मेरे ख्याल से बच्चों में बड़ा अच्छा एक शौर उजागर करते हैं, और क्लाइमेट चेंज इसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा, आगे आने वाली नस्लों को हम और क्या देखे जाएंगे। लेकिन शबा मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जितने बड़े बड़े नाम अभी अमीना ले रही थी, इस तरह की कई ऐसी कहानियाँ हैं जो कि अननोन है, जो हम नहीं जानते लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। बल्कि आई वांट टू क्विकली हाईलाइट कि असर हमें एक ये एक जिंदमान वेलफेयर ट्रस्ट है, हानी बलोच उसको चलाती हैं, वो मेंटल वेलबींग पे भी काम करती है। इस बच्ची ने ये ट्रस्ट शुरू किया और फ्लड रिलीफ में आगे आगे ये थी, और एक और है उनका नाम है सामिया पराचा, इन दोनों ने मिलकर फ्लड रिलीफ पे बहुत काम किया है। इनको हम एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वही वाली बात कि जिन लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनको लोग जानते नहीं हैं, उनको भी सामने लेकर आए, बिल्कुल सामने ले, मौका तो दें, मौका तो दें, और आई थिंक जितनी भी पजीराई मिलती है उससे आपका कॉन्फिडेंस, आई थिंक अभी काम करने की जो सलाहियत है वो और ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर होती है, बिल्कुल और ज़्यादा बेहतर होती है। मुझे एक चीज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं पूछना चाहता हूँ, ऑफकोर्स ये अदर फेस्टिवल आप लोग करते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, आप फाउंडर हैं, लेकिन सिर्फ आप दोनों तो नहीं होंगे, मेरे ख्याल से एक टीम तो होगी। अमीना इजाज़त आपसे, मैं बहुत खुश हूँ आपने पूछा, क्योंकि हमारे पीछे लाइटस्टोन पब्लिशर्स की पूरी टीम खड़ी हुई है, जिसमें सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी नादिया गनी का, मजहर भाई का, फहाद साहब, फहाद मिर्ज़ा शिको, देन देयर इज़ हमाद जो फाइनेंस में है, इनकी पूरी सेल्स टीम का, वहाँ रुखसाना भी हैं जो एडिटर हैं, वहाँ आफिया आमिर भी हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो हम दोनों इतने इत्मीनान से मेकअप लगा कर यहाँ नहीं बैठे होते। ये मतलब मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ, और ये इतने अच्छे लोग हैं, और मैं बस यही चाह रही हूँ कि इस पूरे फेस्टिवल में यही अच्छाई बस एक फैली रहे, काइंडनेस, बिल्कुल कितनी अच्छी, और इसी से हम बस हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक एक जो सिलसिला शमा ट्रेनिंग का जो होता है, यू नो व्हेन यू हैव टू ट्रेन पीपल टू गेट इनटू दिस और अदर पीपल, उसके लिए क्या किया? हमने इसके लिए पिछले साल ये हम ब्रिटिश काउंसिल ने स्पॉन्सर हमें किया था, ये ब्रैडफोर्ड लिटरेचर फेस्टिवल के साथ मिलके, क्योंकि कोविड का ज़माना था, बिल्कुल, तो हमारे पास 5 लड़कियाँ पाकिस्तान से थी, एक केपीके से थी लड़की, एक पंजाब से, एक सिंध से, एक बलूचिस्तान से एक लड़की, कराची से, इनको हमने ट्रेन किया था ब्रैडफोर्ड के साथ एज प्रोड्यूसर्स, एंड ये 8 महीने का पूरा प्रोग्राम था, जिसमें आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से वी हैव दुर्बीबी हुज़ फ्रॉम कराची,
from Liari and she is a trainee producer. Excellent. इस फेस्टिवल में दूर बीबी हमारे साथ ट्रेनी प्रोड्यूसर हैं. Very nice. और हमारे साथ तभी तो हम दफ्तर छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि ईमेल्स वो भेज रही है, हम नहीं भेज रहे. Very nice. और इसमें हम कोशिश इस दफा कर रहे हैं कि और लोगों को लेकर आए वॉलंटियर्स की हैसियत से नहीं बट एज ट्रेनीज, कि वो काम सीखना शुरू करें. बिकॉज यू नो प्रोड्यूसर का अगर हम नाम अपने और इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये इसको एक इसका एक सिस्टम है. एग्जैक्टली. ये आप ऐसी नहीं फेस्टिवल खड़ा करते, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही. लेकिन मैं एक अमीना आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, शमा यू कैन पुट योर गिव योर इनपुट ऑन दिस एज वेल, कि बहुत सारे लोग हैं मेरे ख्याल से अभी तो वर्ड ऑफ माउथ ने बहुत काम किया हुआ है, लोगों को पता चला द फेस्टिवल है या इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है, हम इस पर रब्ता कर सकते हैं. इस तरह के कई लोग, बेतहाशा लोग, वो पाकिस्तानी भी जो कि दूसरे मुल्कों में मुकीम है, कहीं और रहते हैं, वो पाकिस्तानी भी जो कि पाकिस्तान में ही है लेकिन उनकी रसाई इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म तक नहीं है, वो आपसे कैसे रब्ता करें? कोई फ़ोन नंबर है, कोई ईमेल एड्रेस है, कोई इंस्टाग्राम पेज है जहाँ से वो आपसे रब्ता करें कि हमारा ये हुनर है और हम इस तरह आपसे. वी नीड टू डू दिस. ये सर आई एम गोइंग टू राइट दिस डाउन बिकॉज आई थिंक अदब को यही अब करना चाहिए फेस्टिवल के बाद, एक कि हम या तो उनको कनेक्ट कर पाएँ कि आप बहुत अच्छा गाते हैं तो हम आपको कहाँ किसके पास भेज सकें, या जैसे हमने ब्रैडफोर्ड के साथ काम किया था कि इसको हम भाई बैरूनी मुल्क क्यों नहीं ले जा सकते अगर हमारे पास ऐसा टैलेंट है. सो एक्चुअली ये जो पाइपलाइन जो है ये बन रही है, इस पे हमें काम करना पड़ेगा. एक्सलेंट एक्सलेंट. और उसकी दूसरी चीज़ ये भी होगी शमा, क्योंकि जब इतने ज़्यादा जॉइंट्स एक चीज़ के अंदर ऑलरेडी मौजूद हो, शर्मीन आ रही हो, या यू नो जिस तरह की आपने अभी नाम आप बता रही थी, यू नो सच अमेजिंग ऑथर्स आर कमिंग इन, ज़रा निगाह आ रही है, ऑफकोर्स कोई नई राइटर होगी तो उसको अपना नोक पलक सुधारने का बड़ा मौका मिलता है. बिल्कुल. हर चीज़ को तो है ना थोड़ा सा एक, जब वो इतने बड़े बड़े जॉइंट्स के साथ आप बैठते कोई अच्छा काम देखे, सर मैं कितना सीखता हूँ आप लोगों से. नहीं, आपने जो कहा इसको वी शुड वर्क ऑन इट, कि ये इसका एक बकायदा हमारी हेल्पलाइन हो. बिल्कुल बिल्कुल तरीके का. अच्छा एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सुनने के बाद, बचपन में खवातीन हज़रत आपको यकीनन याद होगा कि कैसेट कहानियाँ आती होंगी, जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं कैसेट लगाते थे और हम कहानी सुनते थे. एक बड़े ज़बरदस्त स्टोरी टेलर भी आ रहे हैं आपके फेस्टिवल में, उनका नाम है आतिफ बदर, वो बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं. इसमें और भी बहुत सारे लोग होंगे लेकर आए, क्योंकि हम भूलते जा रहे हैं कि कहानियाँ कैसे सुनाते हैं। क्योंकि हमें तो फोन की आदत पड़ गई है और गैजेट की. मैं कहता हूँ मैंने इतनी दफ़ा, और मैं माजरत के साथ अपने ही घर पे भी ये देख रहा हूँ, मैंने इतनी एक इन टोटलिटी में बात कर रहा हूँ मीना, कि अपनी सहेलियों में, दोस्तों में, सबको देख रहा हूँ, कहीं पे भी खाने में जा रहे हैं, टक 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 चार बटन दबाए, बच्चा चलो जी बिजी हो गया, आओ हम बातें करते हैं. मेरे कहा जो बच्चों को हमें एक चीज़ सिखानी है, बच्चों से बातें करने का जो एक सिलसिला है या बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का सिलसिला है, वो हम क्यों एक तोड़ते जा रहे हैं, जहाँ बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं अमीना? देखिए बच्चों का तो हमने एक पूरा पवेलियन बनाया है वहाँ, और सिर्फ बच्चों के लिए है. और वहाँ क्या क्या है? वहाँ देखिए जैसे अभी शमा ने कहा कि आतिफ बदर आ रहे हैं, वो सात दो दिन वहाँ मुस्तकिल वो रहेंगे, वो कहानियाँ सुनाएंगे, वो थिएटर के तो वो चैम्पियन हैं, थिएटर करेंगे बच्चों के साथ, उनको शामिल करके छोटे छोटे ड्रामे करेंगे. फिर फातिमा हसन आ रही हैं जो हैं तो पोइट, लेकिन उनको बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कहानियाँ लिखी हैं, वो पढ़ के सुनाएंगी. और रुमाना हुसैन कहानियाँ सुनाएंगी, ताशीना नूर आके वो तो बड़ी एक्टिंग करके और जो कहानियाँ सुनाती हैं वो खुद वो ऐसे लिबास पहन के अच्छा बन के आती हैं बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से. फिर जेरेमी वास जो म्यूज़िक का बहुत दोनों दिन वहाँ म्यूज़िक होगा तो समझिए. और शमीन उबैद चिनॉय ने किताबें भेजी जो हम बच्चों को उनके लिए उनको देंगे एज गिफ्ट्स. वो भी है समझिए, वो किताबें भी इस माहौलियात पे हैं. तो बच्चों का तो हमने पैक्ड सेशन दो रखे हुए हैं. एक्सेलेंट. दोनों दिन बेहतरीन. और पपिट शो वहाँ होगा, जो एजुकेटर्स स्कूल है दारुसलाम कैंपस, वो पपिट शो करेंगे बच्चों के लिए. वेरी नाइस. उनको एंटरटेन करेंगे. और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की बच्ची आएंगी, वो भी वहाँ तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक म्यूज़िक का सेक्शन है, वो गाने सुनाएंगी, गाने गाएंगी. तो वो तो पैक्ड सेशन है हमारा. वेरी नाइस. बहुत आई थिंक बहुत ज़्यादा एक इतनी वैरायटी है और ऑफकोर्स सुनने में ही बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है. ख़वातीन और हज़रात 26 और 27 नवंबर को, जो कि यही वीकेंड है, इसी हफ्ते का जो वीकेंड है ये आने वाला है, सैटरडे और संडे है, आप लोगों ने कराची में फ्रेयर हॉल लाजमी जाना है, सुबह 11 बजे से लेके रात के 9 बजे तक.
सुबह 11 से 9 दो दिन की एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी है। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होते हैं, अच्छा एक चीज़ और कि बहुत सारे मर्द हजरात हैं अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे होते बिजी स्केड्यूल की वजह से, ये एक बेहतरीन आपके लिए वीकेंड का एक आउटिंग होगी अपनी फैमिली के साथ। आप जाइए, खाने पीने के स्टॉल्स हैं, म्यूज़िक है, स्टैंड अप कॉमेडी है, बुक लॉन्चेस हैं, इंटरव्यूज़ हैं लोगों के, बच्चों के लिए पवेलियंस हैं। यू गाइज विल हैव अ ग्रेट टाइम। और हमें इस तरह के फेस्टिवल्स को हर सूरत सपोर्ट करना है। इट्स कॉल्ड द अदब फेस्टिवल कराची। बहुत शुक्रिया शमा, थैंक यू मीना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम लोग लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।